नारायण 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 कथायां पीयूषं प्रवचन कलायां च पटुता सुलेखे लालित्यं लसति तिलयस्य क्षितितले स्मरामि प्रातस्तं भवजलधितैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमं। श्लोकात्। जिनकी कथा की अमृत माधुरी, प्रवचन कला की निपुणता एवं गंभीर लेखों का लालित्य संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है और जो भवसागर से भयभीत प्राणियों के लिए एकमात्र आश्रय हैं, उन परब्रह्म स्वरूप अनंत श्री गुरुवर अखंडानंद जी का मैं प्रातः स्मरण करता हूं। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान महाराज श्री के श्री चरणों में हम अपने विनम्र प्रणाम निवेदन करते हैं। हमारे भारतवर्ष की महान संस्कृति एवं सनातन धर्म को जीवित रखने में इस देश के संतों एवं विद्वानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका सदैव से रही है। ऐसा आज भी है और भविष्य में भी यह भूमिका रहेगी। इसी संत परंपरा में पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का नाम अत्यधिक आदर के साथ लिया जाता है। पूज्य महाराज श्री ने 76 वर्ष की आयु में ही दिन 19 नवंबर 1987 को अपनी लीला का स्मरण कर लिया। अपने जीवन काल में परम पूज्य महाराज श्री ने सत्संग की एक दिव्य अजस्र धारा को प्रवाहित करके अध्यात्म समाज में एक अपूर्व एवं अनोखा आदर्श स्थापित किया। परम पूज्य महाराज श्री के सत्संग प्रवचनों के सत्रों का एवं भागवत सप्ताह तथा भागवत कथा पाक्षिक सत्रों का रिकॉर्डिंग का कार्य अनेकानेक स्थानों पर विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उनके शिष्यों एवं भक्तों के द्वारा समय समय पर कर लिया गया था। कालांतर में ऊपर कहे गए रिकॉर्ड किए हुए प्रवचनों का डिजिटल रूपांतरण करने हेतु ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज की अध्यक्षता में आनंद प्रस्तुति ऑडियो विजुअल सेंटर की स्थापना आनंद वृंदावन के परिसर में ही सन 2005 में हुई। यह निर्विवाद सत्य है कि परम पूज्य महाराज श्री के अब तक के उपलब्ध प्रवचनों एवं वीडियो रिकॉर्डिंग को आनंद प्रस्तुति ने MP3 ऑडियो CD एवं DVD में रूपांतरित कर सत्संग समाज के लिए बहुत ही कम मूल्य पर सुलभ करवाकर जनसेवा का एक उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। हमें अपने श्रोताओं को यह जानकारी देते हुए विशेष हर्ष है कि पिछले कुछ महीनों में आनंद प्रस्तुति को परम पूज्य महाराज श्री के परम कृपा पात्र
भक्त स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रदत्त एवं अन्यान्य स्थलों के पूज्य श्री के सत्संग की अमूल्य सामग्री प्राप्त हुई है। इस सामग्री में विशेष रूप से उल्लेखनीय आनंद वृंदावन आश्रम में प्रातः एवं दोपहर के परम पूज्य महाराज श्री के अनूठे सत्संग का संग्रह, बड़ौदा एवं सूरत में हुए सत्संग का संकलन, परम पूज्य महाराज जी के निवास स्थान आनंद निकुंज विपुल मुंबई में जो सत्संग निरंतर होता रहता था उसका रिकॉर्डिंग करके एवं अन्यत्र भी जहां कहीं हमारे श्री स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी को अवसर प्राप्त होता था वे अपने वॉकमैन में रिकॉर्ड कर लिया करते थे और वह सत्संग संग्रह का अमूल्य खजाना आनंद प्रस्तुति को अब प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त श्री उड़िया बाबा जी महाराज के आश्रम के सत्संग का संकलन भी हमारे सेंटर आनंद प्रस्तुति में संग्रहित है। सन 1974 से लेकर 1980 तक का ये सत्संग अत्यधिक दुर्लभ और अत्यंत महत्वपूर्ण सत्संग जिसका संग्रह आनंद प्रस्तुति के पास है, दिल्ली में जस स्वामी जी के निवास स्थान पर हुए परम पूज्य महाराज श्री के सत्संग का संग्रह। सज्जनों, वस्तुतः होता यह था कि पूज्य महाराज श्री भक्तों एवं जिज्ञासुओं से प्रातः से लेकर सायं तक घिरे रहते, शंका समाधान रूपी सत्संग की अजस्र धारा उनके इर्द गिर्द नित्य निरंतर प्रवाहित होती रहती थी। चूंकि रिकॉर्डिंग मुख्य रूप से प्रवचन सत्रों की ही हुआ करती थी, अतएव शेष समय के शंका समाधान आदि के सत्संग की रिकॉर्डिंग आनंद प्रस्तुति के संग्रह में नाम मात्र ही। परम पूज्य महाराज श्री की कृपा से हाल ही में प्राप्त इस अमूल्य सत्संग संग्रह का आनंद प्रस्तुति द्वारा MP3 फॉर्मेट में अब सत्संग मणिमाला के शीर्षक के अंतर्गत संपादन करके इसे क्रमशः उपलब्ध करवाने की जो योजना बनी, इसी योजना के अंतर्गत सत्संग मणिमाला के ये प्रथम दो पुष्पों का जो कि आपके हाथों में है, परम पूज्य महाराज श्री के 24वें आराधन महोत्सव के शुभ अवसर पर इसका लोकार्पण हुआ। सत्संग मणिमाला में आप देखेंगे कि अनेक अनेक विषय, धर्म, कर्मयोग, भक्ति योग, योग दर्शन एवं वेदांत दर्शन के साथ ही साथ व्यवहार आदि विषयों को लेकर भी सभी प्रकार की सामग्री यत्र तत्र संकलित की हुई है, जिसमें परम पूज्य महाराज श्री प्रदत्त मार्गदर्शन बेजोड़ है एवं साधकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। हम स्वामी श्री प्रत्येक बोधानंद सरस्वती जी महाराज के प्रति पूज्य महाराज श्री के विशेष शुभाशीर्वाद एवं करुणामय अनुग्रह का आवाहन करते हैं। अंत में पुनः पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में हम अपना बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। धर्म चरण विशेष ईश विदितः शास्त्रैः मनः शुद्धये
सिद्धिया सिद्ध पदार्थ दे पुनर्विधा निर्गाधमाधीये तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेद प्रमा पोहनी पूर्णानंद पद प्रसाद परमा सद्य क्षमा मुक्त कृष्ण भक्ति रस भाविता मते प्रियताम यदि कुदोपी लगते हैं एक सौदा करो एक चीज खरीदो प्रियताम प्रियताम खरीद लो खरीद लो क्या खरीदे तो ऐसी बुद्धि खरीदो जो श्री कृष्ण प्रेम रस से भावित है भावना देते हैं दल के लोग भावना देते हैं वो कुचला होता है ना कुचला तो उसको पहले गोबर में रखते हैं सात दिन गोबर में रख लिया सात दिन मट्ठे में रख लिया सात दिन दूध में रख लिया तो सात दिन घी में रख लिया सात दिन मधु में रख लिया तो भावना देते देते उसमें जो जहर है वो निकल जाता है और उसका जो औषधांश है वो प्रकट हो जाता है रसायन बन जाता किसी को बोलते भावना देना इस अभ्रत में कितनी भावना दी हुई है ये जो हमारी बुद्धि है ये बहुत गहरीली है उसमें भावना देने की आवश्यकता है तो ऐसी बुद्धि खरीदे जिसमें श्री कृष्ण भक्ति रस की भावना दी हुई हो यदि श्री अगली बुद्धि में श्री कृष्ण भक्ति रस की भावना नहीं दोगे तो वो बुद्धि गहरीली रहेगी भक्तिहीन की बुद्धि में बड़ी कड़वाहट होती है बड़ा जार होता है वो केवल संसार की दृष्टि से ही विचार करता है क्योंकि उसमें जो अन्वय व्यतिरेक है वो संसारी गुण दोष का ही होता है ये जब भगवान से भक्ति होती है अलौकिक सामर्थ्य है हमारे हृदय को एक रसायन मिल जाता है और हृदय की रूपरेखा उससे बदल जाती है जीवन में असल में बुद्धि बदलने की जरूरत है हमको याद है जब चीन ने आक्रमण किया था भारतवर्ष को तो बहुत आवेश से तक आ गया था तो बम्बई में एक सभा हुई तो लोग चीन को खूब गाली देते थे मंगलदास पखवासा गवर्नर थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल वो सभा में थे मैंने कहा अपने व्याख्यान में कि देखो भाई चीन देश का कोई दोष नहीं है चीनी लोगों का कोई दोष नहीं वहां तो मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में शासन है और उन्होंने भारतवर्ष में घुस के उपद्रव किया है इसमें सारी जनता चीनी जनता को गाली देने लायक नहीं है राज्य बदल जाएगा शासन बदल जाएगा तो वो हमारे मित्र हो सकते हैं तो सारे चीनियों को गाली देने की क्या जरूरत है मंगलदास पखवासा बोले कि आदमी को अकल चाहिए असल में बोलने की अकल के बिना कोई काम नहीं चलता है बुद्धि चाहिए शुद्ध जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोई भावना ना हो अपना मन न बिगड़े दूसरे का मन न बिगड़े रक्षते रक्षते कोशानामपि कोशम हृदयम जस्मिन सुरक्षते सर्वम सुरक्षितम स्यात् बचाओ बचाओ खजाने का खजाना ये अपना दिल है अगर अपना दिल बचा रहा तो सब कुछ बच गया
और अपना दिल बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। सब खजानों का खजाना अपना दिल। तो जब अलौकिक वस्तु से राग होता है, भगवान से प्रेम होता है, तो ये जो संसार के राग द्वेष हैं, ये अपने आप ही मिट जाते हैं। भगवान से प्रेम भी रहे हृदय में और संसार का राग द्वेष भी रहे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक संग नहीं हो ग्वाला, फसल छठाई फलाऊ गुजाला। संसार में राग द्वेष करे और भगवान से प्रेम करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले चाहिए मति, क्रियता, क्रियता, खरीद लो, खरीद लो। ऐसी बुद्धि खरीद लो, कैसी बुद्धि, जो संसार के राग द्वेष न करती हो, किसी की मोहब्बत में फंसी न हो और किसी से नफरत न हो। राग माने मोहब्बत और द्वेष माने नफरत। जिसके मन में किसी से मोहब्बत है और किसी से नफरत है, वो भगवान का स्मरण चिंतन कब करेगा? वो तो जिससे राग है, जिससे द्वेष है। सत्संग का फल यही है कि मनुष्य का हृदय भगवान में ऐसा लग जाए कि संसार में राग द्वेष कृष्ण भक्ति रसभाविता मति ही क्रियता कहाँ मिलेगी। कई ज्यादा ये मत देखो कि कहाँ मिले, जहाँ मिले वहीं से ले लो। मनुस्मृति में एक प्रसंग है, यदि तत्व ज्ञान अंतिम से भी मिले तो उसको ग्रहण कर लो। मनुस्मृति में श्लोक तुरंत ब्रह्मानक सुहाम विद्याम, श्लोक का पहला अक्षर अगर नोट कर लो तो कभी अकारा विक्रम की सूचि मिल जाए तो मनुस्मृति में श्लोक जल्दी मिल जाएगा। श्रद कथानक शुभाम विद्याम आदितादरादी अंत्यादपि परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। मनुस्मृति का श्लोक है। तत्व ज्ञानी पुरुष मिलना कठिन, जिज्ञासा होना कठिन है, महापुरुष का उपदेश करना कठिन है। यदि ऐसा सुयोग प्राप्त हो जाए कि कोई अंत्यज भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हो तो उसे ग्रहण कर लो। अभी नहीं कि कहाँ सदाचारी ब्राह्मण कुली ब्रह्मनिष्ठ मिलेगा, तब उससे नहीं। इस पर प्रश्न पाया है उल्लू वर्ग में मनुस्मृति की टीका कि अंत्यज को ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा, उसको ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा, ये प्रश्न है। उनका संभव है पूर्व जन्म में उसने तपस्या की हो, गुरु की सेवा की हो, जिज्ञासा की हो, कोई प्रतिबंध रह गया हो, उसके कारण चंडाल योनि में जन्म हो गया हो, अंत्यज हो गया हो। अब अंत्यज होने पर वो प्रतिबंध निवृत्त हो गया और ब्रह्म ज्ञान पर उसके जीवन में आ गया। अरे भाई ऐसी चीज है, यदि तुम्हारे पास कहीं हीरा हो और कनाले में गिर गया हो तो ये ख्याल न करो कि हीरा कनाले में गिरा है, वहां से भी उसको निकाल लो, उसको ले लो। अंत्यागति परम धर्म श्रद्ध धान सुवाम विद्या आदविता बरा है। छोटे से भी यदि अच्छी विद्या मिलती हो तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जहाँ कुटे मिले करते भगवान की भक्ति जहाँ से मिले वहीं देगा। पंडाल हो तो क्या हुआ, अंत हो तो क्या हुआ, उसके जीवन में भगवान की भक्ति तो है ना। भक्ति मिल रही है तुमको आदर, देखो कोई होता है मन में द्वेष भर जाता है, कोई मन में राग भर जाता है, कोई निंदा करके संसार की ओर में मन ले जाता है, कोई तारीफ करके संसार में मन ले जाता है। ये दोनों जो संसार की तारीफ करते हैं वो भी हमारे मन को भगवान से खींच कर संसार में लगाते हैं, और जो निंदा करते हैं भगवान से खींच कर संसार में लगाते हैं। इसी से राग द्वेष के चक्कर में न पड़ने का एक ही उपाय है कि अपना समूचा हृदय समूचा प्रेम भगवान में लगा दिया जाए।
जब कुछ लग मिले, जहां मिले वहां से लो, जब मिले तब लो, जिससे मिले उसी से लो, परंतु ले हृदय में भगवान का प्रेम। अच्छा भाई, इस प्रेम की कीमत क्या चुकानी पड़ती है बताओ। ना सौदा खरीदने की बात तो करते हो, कीमत तो बताओ। तंत्र मूल्य नदी मौल्य में कलम जन्म कोटि शुक्र कयूर में लगे थे। प्रेम की प्राप्ति की कीमत क्या है, तो उसके लिए मचल जाना हो, ललक जाना, उसके लिए लालसा होना, उसके लिए उत्कंठा होना, उसके लिए व्याकुलता होना, अपने जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए लालसा हो, उत्कंठा हो, व्याकुलता हो, दिल तड़पड़ाने लगे, हाय हाय अभी तक हमारे हृदय में भगवान का प्रेम नहीं आया, जीवन व्यर्थ जा रहा है। ऐसे जन्म समूह सिराने प्राणनाथ रघुनाथ सो पति तजी सेव पुरुष बिराने। ऐसे जन्म समूह सिराने, तो ये जो एक एक क्षण हमारे जीवन का बीत रहा है संसार के राज में, संसार के देश में, ये भगवान के प्रेम पर आदरण है, ये भगवान के प्रेम पर परतन है। यहाँ जो अनंत आनंद का रस, आनंद से किसी को मत होता है बाजा गुरु जाने तो मन की आशा। जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आनंद सुंद मध्य पाओ बाशा दिन जाने तू मर चुकी आशा। ये विनय का प्रजा का पद है, बड़ा भारी पद है। कबीरदास कहते हैं, धोबिया जल बीच मरत की आशा, जल में ठाड़ पिए ना मूरख, अच्छा जल है खासा, धोबिया जल बीच मरत की आशा। श्री उदयराज महाराज ने भागवत के दो श्लोक को, दो श्लोक ग्यारहवें स्तंभ के निशान लगा कर लिखा। भागवत तो मैंने पढ़ा था बचपन से ही, हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा, संवत 1630 की लिखी हुई भागवत, श्रीधरी टीका से हमारे घर में थी, संवत 1630 की। अब 2034 में 36 और 2036 है, संवत 1630 की लिखी हुई भागवत की। और भागवत पढ़ता था पर ध्यान नहीं जाता हूँ। बाबा ने दो श्लोकों पर निशान लगाया, ध्यान खींच लिया। नस्तु वीतन निंदे दुर्गत साधु साधुवा भगते गुरुदोषाग्रहां वर्जिता समग्र मुनि न दुर्गे आत्मरवे किंचित न दुआई साधु साधुवा आत्मा राम भया वर्त्या विचले जगद मुनि। कोई अच्छा करता हो कोई बुरा करता हो, कोई अच्छा बोलता हो कोई बुरा बोलता हो, कुछ काल करने की जरूरत। बुरा करने वाले की निंदा मत करो, अच्छा करने वाले की स्तुति करो। फिर स्तुति करने लायक व्यवहार वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वस्तु भी तनिंदे कर दुर्गंध साध्य साधुगा बदलो गुरुदोषाध्या वर्जिता समुद्र मुनि। गुण दोष से अपनी दृष्टि को गुण दोष से रहित कर लो, और अच्छा बुरा करने वाले की और अच्छा बुरा बोलने वाले की निंदा स्तुति मत करो। न दुर्गात न बदेत किंचित न दुआए साधु साधुगा, अच्छा बुरा करे नहीं, अच्छा बुरा बोले नहीं और अच्छा बुरा सोचे नहीं। न दुर्गात न बदे किंचित न दुआए साधु साधुगा आत्मा रामो नया वृत्या। आत्मा राम की यही वृत्ति है, अपने आप में मस्त रहो। आत्मा रामो नया वृत्या विचरे जगद अन्मुनि। लोग समझे बिल्कुल मूर्ख है, समझने को
ठीक है, लोग जो समझे सो समझे, तुमको अपने को विद्वान है, विद्वान बता देते हैं, फिर ये भी करनी है कि कोई दक्षिणा सभा में जाना है, क्या करना है अपने को विद्वान लिखा के विचरे गडवन मुनि है। ये श्रीमद भागवत का ये दृष्टिकोण है कि जिसके हृदय में भगवान से प्रेम आता है, जो मुहिराम लागते जीछे और खटरस नवरस अनरस रस तो जाते सब सीखे, जो मुहिराम लागते जीछे। यदि हमारे हृदय में भगवान का प्यार आ जाता तो ये संसार के खटरस, ये नवरस, ये अन्य रस, ये सब सीखे सुख हो जाता। असली रस तो, असली रस तो भगवान की भक्ति में है, भगवान के प्रेम में है। जिसके हृदय में भगवान का प्रेम आ जाता है तो भगवान ने कहा जो किए श्री कृष्ण चले गए मथुरा, अब तुम लोग ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर का भजन करो। तो गोपियों ने कहा उद्धव जी मन कितने होते हैं उनकी गिनती तो बताओ। उद्धव मन न भये दस बीस, एक होते सो गये श्याम संग को आराधे, एक ममता से कृष्ण में लग गया और कृष्ण के साथ गया, जहाँ जहाँ कृष्ण है वहाँ वहाँ मन है। अब ईश्वर की आराधना कौन करे, नहीं योग करे योग, योग तुम्हारा है यहाँ रोम रोम से है। और योगाभ्यास की बात मत ध्यान करो, ये में रहो ना ही नंद नंदन असत कैसे राखी, हृदय में जगह नहीं है। बोले श्री कृष्ण मथुरा चले गए, कौन कहते हमारे कृष्ण मथुरा को लेकर ध्यान नहीं है ना। उनको तो हर समय संजीव की स्फूर्ति होती है, श्री राधा और ब्रह्मांड पुराण में कथा है, ब्रह्म वैवर्त में भी है और ब्रह्मांड पुराण में है कि उद्धव जी जब आए तो श्री राधा रानी को तो ये ध्यान ही नहीं था कि श्री कृष्ण कहीं चले गए, तो उनको तो बहुत चेष्टा करके ये ध्यान दिलाया गया कि श्री कृष्ण मथुरा गए। वो बोले कि नहीं अभी हमारे पास हंस रहे थे, बोल रहे थे, हमारे साथ सो रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, किसने कहा, किसने कहा कि मथुरा गए। तब उद्धव जी ने कहा कि उन्होंने हमको भेजा है तुम्हारे पास संदेश देने के लिए। तब आ गई होश में और होश में आके उन्होंने उद्धव जी को श्री कृष्ण के स्वरूप का उपदेश किया, ब्रह्म वैवर्त में कथा है, स्वरूप का उपदेश किया, श्री कृष्ण क्या है। उद्धव जी तुम क्या समझते हो कि श्री कृष्ण मथुरा में है और वृंदावन में नहीं है, और श्री कृष्ण देव की तो सोचदेव के पास है और यशोदानंद के पास नहीं है, और श्री कृष्ण कुब्जा के पास है और हमारे पास नहीं है, ऐसा तुम समझते हो, तुम श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते हो। तब फिर श्री उद्धव जी ने श्री राधा रानी का शिष्यत्व स्वीकार किया, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप हमको श्री कृष्ण के स्वरूप का उपदेश कीजिए। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्म वैवर्त, फिर श्री राधा रानी ने उद्धव जी को श्री कृष्ण के स्वरूप का बोध कराया। और यहाँ तो ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही कहो श्याम काहु तुम जिन्हें तरफ में है, बुझ भर भेंट देखो ये महत्व है।